अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल कराची टू किचन न्यूज़ में। अच्छा यार, हमने जिस तरीके से अपना एक सेशंस लेके चल रहे हैं जो कि ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0 मेरी तरफ से चल रहा है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हमने उसमें 9th अपने कंप्यूटर का जो है वो कवर आउट किया था, अलहमदुल्ला, ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्स था, सही था। अभी रिसेंटली मैंने मैट्रिक का जो है आप लोग के 2 चैप्टर डाल दिए हैं, जाके तुम लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। आज जो बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना चैप्टर 3, 4, 5, क्योंकि देखो मैंने इसको पार्ट में इसलिए कर दिया है, वो 9 के कंप्यूटर में 2 पार्ट्स में बना दी थी, इसकी मैंने पार्ट्स में इसलिए 3, 4 पार्ट्स में रखा है, क्योंकि ये आपका पूरा पूरा समझने वाला है। पेपर्स के अंदर आपको ऐसे ऐसे पर्पजेज और ऐसे ऐसे रीजन क्वेश्चन से मुराद ये कि ऐसे ऐसे आपसे चीजें पूछ ली जाएंगी जिससे आप परेशान हो जाओगे। उसमें क्या है कि उसमें आपका समझना और आपका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जानने जरूरी के लिए आपको चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से आपका मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है जिसमें आप स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट सब कुछ समझोगे। मगर अभी के लिए क्या है, हम जो है बेसिकली अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे पास इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन C++ है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है C++ का। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है C++ का कि आप अपने प्रोग्राम को किस तरीके से बनाते हो। सबसे पहले क्या करते हो आप, सबसे पहले आपने क्या किया, एक मतलब समझ लो इसका, तुम्हारी जबान में ये हैश होगा बट प्रोग्रामिंग की जबान में इसको हम प्री प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे पास एक लफ्ज आता है इंक्लूड करके, इंक्लूड इंक्लूड का मतलब क्या है कि इंक्लूड के आगे जो भी तुम ग्रेटर देन और लेस देन करके अंदर में जो लगाओगे वो तुम्हारा पूरा जो होगा, ठीक है, वो लाइब्रेरी है तुम्हारी, जो कि हर बार लाइब्रेरीज आती हैं, लाजमी लिखोगे इसको। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स। उसके बाद तुम्हारे पास जो है इंट मेन वर्ड, ठीक है, इंट मेन वर्ड आप लिखोगे। उसके बाद आपके पास ये क्या है, ओपन कर्ली ब्रेसेस लाजमी आएगा, जब आप ओपन कर्ली ब्रेसेस करोगे तो उसकी क्लोजिंग भी करोगे। यहाँ पे तुम्हारा स्टेटमेंट आ सकता है, जो भी तुम्हारा स्टेटमेंट है, जो भी, ये बेसिकली आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, और फिर ये आपका रिटर्न है, आप इसमें रिटर्न करो। रिटर्न हमेशा जो भी चीज करवाओगे वो इंटीजर फॉर्म में होगा। इंटीजर क्या होता है, होल नंबर, मतलब कि 0 ही आपका होगा, ठीक है। और कोई भी चीज जैसे स्टेटमेंट लिखोगे उसके आगे आपने सेमी कॉलन लाजमी लगाना है, वरना प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है। हम इसको चलो इनकी जबान में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इंक्लूड बेसिकली जो होता है फाइल या लाइब्रेरी हो गई, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास एक और चीज जो कि मेजर चीज है वो क्या है, यूजिंग नेम स्पेस STD। जब तुम ये अपने प्रोग्राम के अंदर लिख लोगे इंक्लूड, तो तुम्हें उसके नीचे यूजिंग नेम स्पेस भी लिखना है। यूजिंग नेम स्पेस स्ट्रक्चर में नहीं दिया हुआ बट लिखना है नेम स्पेस STD। मतलब क्या है, STD का मतलब है स्टैंडर्ड। हाँ, कि ये भी बेसिकली क्या है, STD है स्टैंडर्ड। ये एक लाइब्रेरी आपकी, इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, मगर हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं हम, तो ये STD लगा रहे हैं। तो ये नेम स्पेस हम क्या कर रहे हैं, सही है। उसके बाद जो है हम इंट मेन वॉइड जो ले रहे हैं अंदर में, वो बेसिकली फंक्शन हम C++ की प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन के लिए ले रहे हैं, और ये बेसिकली कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता, कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है, जब आप वॉइड अंदर लिख रहे हैं तो लिख लेते हो तो, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया कि यार ये तुम्हारा ओपन कर्ली ब्रैकेट होता है, दिस इज तुम्हारा क्लोजिंग ब्रैकेट, और हमेशा बॉडी के ऊपर जो है तुम्हारा कर्ली ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। रिटर्न वैल्यू क्या होता है कि यहाँ पे तुम अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर रहे होते हो, और हमेशा रिटर्न जो कराओगे वो इंटीजर फॉर्मेट में कराओगे। स्टेटमेंट के अंदर तुम्हारा क्या होता है, तुम्हें हमेशा अपने स्टेटमेंट के अंदर ये लगाना है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, या फिर तुम इसको सेमी कॉलन भी कह सकते हो। तुम्हारी जबान में सेमी कॉलन, प्रोग्रामिंग की जबान में एक और लफ्ज आ जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर अब देखो यार, हर प्रोग्रामिंग के जो होते हैं, मैं तुम्हें बताया था, रूप बनाने का सेम ही है मगर चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। जैसे आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट करवा रहे होते हो कोई भी चीज को, इनपुट आपने लेना है, ठीक है, यहाँ पे आप सी आउट करोगे। सी आउट का मतलब क्या होता है, करेक्टर आउटपुट, ठीक है। इधर तुमने करेक्टर आउटपुट ले लिया, करेक्टर आउटपुट का मतलब कि तुमने यहाँ पर कराची एजुकेशन मैंने कर दिया, तो क्या हुआ, ये सी आउट जब मैं कर रहा हूँ ये स्टेटमेंट है मेरी, सही है। ये पूरी जो मेरी होगी ये स्टेटमेंट है कि मैंने बॉडी के अंदर ये लिख लिया कि मुझे प्रिंट करवाना है कराची एजुकेशन। तो इस तरीके से हमारा ये चीज हमें समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास कुछ कमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। कमेंट कमेंट स्टेटमेंट हमारी 2 टाइप की होती है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट का इतना ही समझ लो, इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा। डबल जो आपके पास होता है और उसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैं एडिशन करवा रहा हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, तो num1 + num2, ठीक है। अब यहाँ पे भाई पता चल गया आपको, आप भाई इसका एडिशन करवा रहे हो, मैंने यहाँ पर अपने याद दिहानी के लिए एडिशन लिख दिया। तो सिंगल लाइन मतलब कि एक ही लाइन के अंदर मैंने एडिशन लिख दिया, ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट है, और हमेशा ये डबल जो स्लैश के साथ होता है। मल्टी लाइन कमेंट के अंदर क्या होता है कि आप डबल कमेंट्स भी लिख सकते हो, एडिशन करवा रहे हो, या फिर आप इस तरीके से माई फर्स्ट प्रोग्राम ये लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप लिख दो मल्टी लाइन, आपने 2 चीज लिख दी, अब आप भाई दोनों के अंदर सिंगल लाइन भी कर सकते हो,
सही है, आपने माई फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी कर दिया, मल्टी लाइन के लिए भी कर दिया, क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट्स बता रहा हूँ मैं, मगर यार अच्छा तो लग नहीं रहा है, हम तो सिंगल ही काम कर रहे हैं यहाँ पे भी, एक इसको भी दे रहे हैं इसको भी दे रहे हैं, सिंगल लाइन में हम ये लेते हैं, तो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि सबसे पहले तुम्हें क्या है कि तुमने जो है इस तरीके से स्टैरिक ले लेना है स्लैश स्टैरिक, और फिर अब यहाँ पे मल्टी लाइन लिखोगे प्रोग्राम माई फर्स्ट प्रोग्राम, और नीचे जाकर इसको अपोजिट कर दोगे, अब ये करोगे तो इस तरीके से तुम्हारा कमेंट लाइन बन जाएगा, नीचे जाकर देख लो ऐसे ही तुम्हारा काम हो रहा होगा, ये देखो स्लैश लगाया तुमने स्टैरिक दिया मल्टी लाइन कमेंट फर्स्ट प्रोग्राम, यहीं पर ही तुमने इसको अपोजिट कर दिया, अपोजिट क्या किया देखो यार ये अपोजिट कर दिया, ये चीज तुम्हारी इधर आ गई ये चीज इधर, ठीक है इसको कर दिया, तो फिर तुम्हारे पास आराम से मल्टी लाइन ये हो गया, सही है। अब हमारे पास क्या चीज है, अब इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग क्या है, जो मैं तुम लोग को उस टाइम पे बता रहा था वही सारी चीज है कि भाई एक हेडर फाइल है हमारे पास, हेडर फाइल बेसिकली क्या है आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल, आईओ स्ट्रीम क्या है, आईओ स्ट्रीम भाई इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये आपकी एक हेडर फाइल है जो कि करती क्या है, जो कि आपके प्रोग्राम के हमेशा बिगिनिंग पे आती है, स्टार्ट में आप हमेशा लिखोगे प्रोग्राम के इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, बाकी भी चीजें लिखोगे और भी कुछ आपके पास लाइब्रेरीज आएंगी जो कि आप लिखोगे, और यहाँ पे नेम स्पेस ठीक है एसटीडी वाली जो आपके वो लिखोगे। अब आपके पास कुछ आउटपुट फंक्शन आ जाते हैं, आउटपुट फंक्शन मतलब कि आप जो है प्रिंट किस किस तरीके से करवा सकते हो, आप दो तरीके से प्रिंट करवा सकते हो, एक तो सी आउट के स्टेटमेंट से एक कोट्स के स्टेटमेंट से, सी आउट के स्टेटमेंट से कैसे करवा सकते हो, देखो सी आउट के स्टेटमेंट से दो तरीके से करवा सकते हो, एक तो तुम वेरिएबल्स भी करवा सकते हो, एक तो तुम यहाँ पर स्ट्रिंग भी करवा सकते हो, मगर कोट्स में आप सिर्फ और सिर्फ जो है स्ट्रिंग करवाते हो वेरिएबल नहीं करवा सकते, वेरिएबल्स कैसे करवा सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वेरिएबल्स का मैं तुम लोगों से बोलूँ तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि तुमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल नम वन ले लिया, और नम वन जो है तुमने यहाँ पर ठीक है नम वन को तुमने टू ले लिया, और नम टू को यहाँ पर, नम टू को यहाँ पर तुमने क्या कर दिया फोर ले लिया, अब तुमने जो है क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे तुमने क्या सी आउट किया, इसको सी आउट करने के बाद जो है तुमने नम वन प्लस नम टू, नम वन प्लस नम टू किया, तो जब नम वन प्लस नम टू करोगे तो ये दोनों जो तुम्हारे पास ये हो रहा है ना यहाँ पे 2 प्लस 2 या 2 प्लस 4 है, ये 4 है 2 प्लस 4, तो ये तुम्हारा डिस्प्ले जो जाएगा वो 6 हो जाएगा। सी आउट के अंदर आप इस तरीके से भी अपना जो है इनपुट निकाल सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का नहीं कराते हो, आप यहाँ पर जो है वेरिएबल भी करा देते हो, ये वेरिएबल्स है ना यार नम वन इक्वल्स टू हो गया ना 4, और यहाँ पे नम वन प्लस नम टू इस तरीके से हो गया, और फिर यहाँ पे तुम सिंपली जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी करा सकते हो सी आउट, ठीक है ये तुम्हारे पास हो गया, देखो ये सी आउट, और यहाँ पे देख लो ये देखो सी आउट माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये तुम्हारा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। मगर पुट्स के अंदर क्या होता है, पुट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग करवाते हो, अगर आप इसके अंदर वेरिएबल्स वो असाइन करके जैसे कि भाई नम वन इक्वल्स टू टू और नम टू इक्वल्स टू फोर करके अगर करवाने लग जाओगे, और यहाँ पे तुम इसी तरीके से हटा कर यहाँ पे नम वन प्लस नम टू करोगे तो भाई ये नहीं होगा, पुट्स हमेशा आपको ये कहता है कि आपको दो ब्रैकेट्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है दो ब्रैकेट्स बनाने के बाद आपने लाजमी जो है सेमी कॉलन हर में लगाना है, याद रखना वरना प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है, और उसके बाद अंदर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पुट होगा, ये दोनों चीज कर रहा होता है सी आउट, सही है, और पुट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रिंग कर रहा होता है एस, ये बेसिकली वेरिएबल भी करता है स्ट्रिंग भी करता है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं हो सकती ये भी। उसके बाद सी आई एन स्टेटमेंट क्या होता है, सी आई एन का मतलब ये है कि आप एक इनिशियलाइज करवा रहे हो, मतलब कि आप एक वेरिएबल ले रहे हो, ठीक है वेरिएबल कैसे ले रहे हो मैं तुम्हें प्रोग्राम से समझा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या किया वेरिएबल यहाँ पे ले लिया ए, तो किसी को इनिशियलाइज करवा दोगे इधर वेरिएबल को ले लोगे, सी आई एन का मतलब एक तरीके से समझ लो कि यार आप कंप्यूटर से ले रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने आपने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि भाई मेरा नम वन जो है वो टू है, नम टू जो है मेरा ये है, यहाँ पे मैंने जैसे ए मेरा टू है ये डिफाइन नहीं किया, अब आप कंप्यूटर से लोगे कि कोई भी नंबर दोगे 2 4 तो वो फिर आपको देगा, तो इसलिए वहाँ पर सी सिन लगाते हैं, ठीक है, और जो चीज तुमने जैसे लिया हुआ है ऊपर ए लिया हुआ बी लिया हुआ है तुम इनपुट उसी को ही लोगे, सिन जो है वही इनपुट लिया जाएगा ए, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज है, इतना समझ में आ गया होगा, अब आगे जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास है गेट सी एच, गेट सी एच को समझने के लिए मैं तुम्हें छोटी सी बात बताऊंगा कि जैसे तुम्हें मैंने ऊपर बताया था कि भाई आप इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लगा रहे होते हो, तो गेट का मतलब क्या है, गेट यही है, ठीक है सी एच का मतलब है करेक्टर, तो करेक्टर के लिए अगर आप इंक्लूड कॉनियो डॉट एच लगाते हो, कॉनियो कॉनियो डॉट एच, एच मतलब क्या है हेडर फाइल, अगर ये नहीं लगाओगे कॉनियो डॉट एच नहीं लगाओगे तो कभी भी तुम्हारा ये गेट सी एच का प्रोग्राम नहीं चलेगा, सही है समझ में आया। अब ये होगा किस तरीके से, इसकी वर्किंग क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कॉनियो डॉट एच का मतलब सिंपल सा समझ लो कि क्या बात है, सिंपल सा ये इतना सा समझ लो कि कौन का मतलब होता है कॉन्सोल, कौन है हमारा कॉन्सोल, और ठीक है आईओ का मतलब क्या है, आई का मतलब है इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट, ठीक है कॉन्सोल इनपुट आउटपुट, सही है। अब आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ है, मैं तुम्हें अगर छोटी सी बात बता दूँ इधर
ठीक है, इसके अंदर गेट सी एच के अंदर इतना सा है कि जब आपने नेम एस टी डी लगाया और आप चार में गेट सी एच ले रहे हैं और आपने इधर फॉर एग्जाम्पल एक्स क्लास ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो ये बेसिकली जब आप इसको रन करोगे तो ये आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा सामने, ठीक है, कब तक, जब तक आप यहाँ पे, अगर आपको चेक, देखो आपने सिर्फ और सिर्फ ना उस वक्त स्टार्टिंग में सी आउट चलाया तो आपके पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, मगर जब एंड बाद में आप इसको सी आउट इस तरीके से, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ है, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, स्क्रीन पर नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि ये क्या करता है, ये होल्ड कर लेता है आपके आउटपुट स्क्रीन को तब तक जब तक आप कोई भी की को प्रेस नहीं करते कीबोर्ड के, ठीक है। इसके अंदर हमेशा जो भी होगा वो सिंगल करेक्टर पे ही होगा, गेट सी एच में हमेशा सिंगल करेक्टर्स आएंगे, ठीक है, इसके अंदर इनपुट हो, इंटीजर्स हो, फ्लोट हो, नहीं लिया जाएगा, मगर बस सिर्फ और सिर्फ सिंगल करेक्टर्स लिए जाएंगे गेट सी एच, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, गेट सी एच ही, देखो यार दोनों सिमिलर ही होते हैं, बस इसके अंदर फर्क क्या है कि भाई यहाँ पे जो है गेट करेक्टर इको, सी एच ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है इको, इको का मतलब क्या है, इको का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो आपको दोबारा सुनाई देगा, ठीक है, मतलब कि भाई जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो आपको दिखेगा भी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से इंक्लूड ए टेन बी टेन किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने प्रेस किए करना है, जब आप इसको वाई प्रेस कर दोगे, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो वाई प्रेस कर दोगे और एडिशन कर रहे हो आप इसका, तो एडिशन कर रहे हो ए प्लस बी, ठीक है, या आपने क्या किया, एडिशन कर रहे हो ए प्लस बी, तो क्या होगा, ये ऊपर आपने वैल्यू अपनी जो है वेरिएबल्स में दी हुई है, टेन थी, टेन है प्लस टेन है, तो क्या होगा ट्वेंटी, तो एडिशन का वैल्यू क्या होगा ट्वेंटी, ये ट्वेंटी जो वैल्यू होगी ये शो होगी, मतलब गेट सी एच करेक्टर के अंदर वैल्यूज आपकी शो नहीं होंगी, होल्ड करके रखेगा, गेट सी एच ई के अंदर आपके पास शो होंगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, इसके अंदर अब यहाँ पे गेट्स का क्या होता है, गेट्स का मामला कुछ इस तरीके का है कि भाई सीधी सी बात याद रखना कि नेम स्पेस देना है, फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पर क्या किया इस प्रोग्राम के अंदर कि तुमने करेक्टर दे दिए 20 करेक्टर्स, मतलब तुमने यहाँ पर कह दिया, ठीक है, 20 या 10 कुछ भी, अब वो क्या करेगा, वो तुम्हें मैसेज दे देगा, और तुमने यहाँ पे क्या किया, गेट्स ले लिया जो तुमने 20 करेक्टर दिए थे यहाँ पे, ठीक है, सी एच, तुमने यहाँ पे सी एच लिख दिया, तो जो मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा, तुम्हारा मैसेज क्या है, तुम्हारा मैसेज बेसिकली तुमने पाकिस्तान लिखा तो तुम्हारा पाकिस्तान मैसेज आ गया, और रिटर्न जीरो करो क्योंकि एग्जिट जब आप कर रहे होते हो तो आपको रिटर्न जीरो करना होता है, सही है। अब आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, वही चीज़ है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हम क्या कहते हैं, सेमी कॉलन भी कहते हैं, और ये बेसिकली हर प्रोग्राम्स के बाद में आ रहा होता है, जैसे आप कभी भी स्टेटमेंट लिख रहे होते हो उसके आगे आपको सेमी कॉलन लगाना होता है, वरना प्रोग्राम आपका जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, सही है। अब हमारे पास एस्केप सीक्वेंस आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्केप सीक्वेंस का, आपसे पेपर्स में पूछा जाता है एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस तो बहुत सारे होते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबसे पहले जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है वो है फ्लैश ए, फ्लैश ए का मतलब ये है कि जब भी तुम अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये डालोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, जब भी प्रोग्राम्स के अंदर डालोगे तो तुम्हारे पास सिंपल सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने सी आउट किया, ठीक है, सी आउट करने के बाद तुमने यहाँ पे स्लैश ए डाला तो वो क्या होगा, वो इस तरीके से होगा कि तुम्हें एक बी प्रोवाइड करेगा, मतलब एक साउंड आएगा, तुम्हें हल्की सी तुम्हें आवाज़ दे होगी, सही है, स्लैश बी अगर प्रोवाइड करती हो तो ये क्या करता है, ये बैक स्पेस हो जाता है, बैक स्पेस का मतलब समझते हो क्या है, मतलब कि ये आपको पीछे लेकर चला जाएगा, पीछे से मुराद ये कि अगर मैं कराची एजुकेशन प्रिंट करवा रहा हूँ, कराची और स्लैश बी कर देता हूँ और एजुकेशन लिखता हूँ मैं इसके आगे, तो ये क्या करेगा, ये पीछे चला जाएगा, मतलब के कराची है ना, आई मेरा शो नहीं होगा और एजुकेशन पूरा शो होगा, ये मेरा बैक स्पेस है। उसके बाद स्लैश टी, स्लैश टी को समझने के लिए क्या है कि ये बेसिकली आपको छः छः स्पेस का गैप दे देगा, फॉर एग्जांपल मैंने मिला कर लिखा हुआ है, अभी मैं सी आउट करवा रहा हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़, मिला के लिखा हुआ है मैंने, जब मैं यहाँ पर हर कराची के बाद मैंने स्लैश टी दे दिया, एजुकेशन के बाद स्लैश टी दे दिया, तो क्या होगा, ये छः छः का स्पेस दे देगा, मतलब कि कराची मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, तो कराची के बाद 6 का स्पेस दे देगा, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद एजुकेशन आ जाएगा, फिर 6 का स्पेस दे देगा, फिर आपके पास जो है न्यूज आ जाएगा, इस तरीके से ये होगा। स्लैश एन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कराची लिख रहा हूँ, कराची एजुकेशन न्यूज, तो वो क्या करेगा, मेरा कराची एक लाइन पे लिख देगा, जो एजुकेशन है वो मेरा सेकंड लाइन पे आ जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाता है, और न्यूज जो है वो मेरा एक और न्यू लाइन पे आ जाएगा, मतलब तीनों चीजें मेरी एक नई लाइन पर आ जाएगी, सही है। अब उसके बाद जो है आर क्या होता है, आर का सिंपल सा मायने है कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न क्या चीज है, कैसे करते हैं कैरेज रिटर्न, इतना समझ लो कैरेज रिटर्न के अंदर ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कराची लिख रहा हूँ, कराची एजुकेशन, तो मैं अगर स्लैश आर लगाता हूँ तो इसके ऊपर ही ये ओवरराइट हो जाएगा, कराची है ना, कराची के ऊपर ही एजुकेशन लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप बोलोगे मुझे पता कैसे चला, क्योंकि आपको एंडिंग वर्ड अपना दिख रहा होगा, कराची आई आपको जो है साइड पे दिख रहा होगा, करके देख लेना इसको, आई आपको दिख रहा होगा, इसी के ऊपर आपको एजुकेशन लिखा हुआ होगा, मतलब ये आई जो होगा ना ये दिख रहा होगा, ये कैरेज रिटर्न है आपका।
अब उसके बाद ये आपके पास स्लैश स्लैश है, ये भी आपके पास बैक स्लैश होते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने इसके अंदर स्लैश स्लैश डाल दिया तो फॉर एग्जाम्पल एक स्लैश डालोगे तो वो बेसिकली प्रिंट नहीं करवाता, डबल स्लैश डालोगे जब तुम करोगे तो एक स्लैश तुम्हारा वहां पर करेक्टर ले लेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास कोटेशन, अगर तुम कोटेशन डालते हो सिंगल कोटेशन तो क्या होगा, ये कोटेशन तुम्हारी वहां पे प्रिंट कर देगा, और फिर यहाँ पे डबल कोटेशन ले लेते हो तो वो भी तुम्हारा प्रिंट कर देगा कोटेशन। इस तरीके के ये सारे आपके जो है स्केयर सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, अब हमारे पास ऑपरेटर्स आ रहे हैं। ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं सिंबल्स जो कि आपके स्पेशल पर्पजेस के यूज होते हैं, ये मैथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल का समझ लो कि यार ये एक्स प्लस वाई कह रहे हैं, मतलब एक्स और वाई जो है आपके ऑपरेटर है, और प्लस आपका एक्स और वाई ऑपेरेंट है, और ये आपका ऑपरेटर है। 7 टाइप्स के आपके पास सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट और अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपका कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रोवाइड, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर या मॉडुलस भी कहते हैं इसको। रिमाइंडर मॉडुलस लेने का क्या तरीका है, रिमाइंडर मॉडुलस लेने का अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भाई मेरा 5 है, मॉडुलस क्या होता है, अब मैं उस मॉडुलस के अंदर हमेशा आप रिमाइंडर को लेते हो, जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ 2 2 4 होता है, ठीक है। वन वन जो बेसिकली हमारा, दिस इज बेसिकली मॉडुलस, या फिर इसको आप रिमाइंडर कह दो, ठीक है। और हमेशा इसका साइन जो होगा वो इस तरीके से होगा, मॉडुलस का साइन, वरना डिवाइड में जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है ना, इसमें इस तरीके का होता है, सही है। यहाँ तक मुझे लगता है तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चल लेते हैं। आगे है तुम्हारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने दिखा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर बनाना क्या है समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, ये बेसिकली तुमसे अभी जो है ये वो नहीं करवा रहे वेरिएबल्स लेके, नहीं सारे तुम्हें यहाँ पे अभी तुम्हें सब मैं बता रहा हूँ, इंट ए बी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई रिमाइंडर करवा दिया, और डिवीजन जो होगा वो पॉइंट में आता है, डिवाइड हमेशा जब भी करते हैं पॉइंट में आता है, इसलिए फ्लोट में ले लिया। डेटा टाइप्स मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है, 1 बोल रहा हूँ, 2 के अंदर मैंने तुम्हें डेटा टाइप्स पढ़ाए थे, तो उसको देख लेना कि भाई डेटा टाइप्स बेसिकली जो है क्या है, सही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने सी आउट कैलकुलेटर कर लिया कि तुम्हारे पास ये आउटपुट के अंदर कैलकुलेटर आ गया, फिर तुमने ये प्रिंट करवा दिया स्लैश स्लैश ये आ गया इस तरीके से। अब तुमने यहाँ पे लिख रहे हो कि तुम वैल्यू डालोगे अपनी, वैल्यू क्या है, वैल्यू बेसिकली तुम सबसे पहले ए की वैल्यू डालोगे, ए की वैल्यू मतलब कि तुमने तुम्हें खुद लेनी है वैल्यू, मतलब कि एक तो वैल्यू यहाँ पे दी हुई होती है, वैल्यूबल्स को हम असाइन कर देते हैं कि 4 या 5, अब यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू 2 ले लिया तुमने, तुमने इधर वैल्यू ले लिया 2, ठीक है। तुमने सी आई एन कर लिया, मतलब कि जो चीज़ तुम ले रहे हो वो तुम यहाँ पे जो है अपना वेरिएबल्स करोगे, ए ले लिया तुमने। उसके बाद फिर तुम नीचे आओगे वेरिएबल बी, अब यहाँ पे भी तुमने 2 ले लिया, ठीक है, इसको भी तुम फिर बी करोगे, इधर भी तुम अपना वेरिएबल वो करोगे, फिर तुमने क्या किया ऐड करा दिया, एड ए प्लस बी। अब तुमने यहाँ पर क्या किया, एडिशन हो रहा है तुम्हारा ए और बी का, जो कि क्या आंसर आएगा, तुमने देखो एक वैल्यू 15 ले ली, एक वैल्यू 10 ले ली, दोनों को तुमने प्लस कर दिया, 25 हो गया टोटल। उसी तरीके से ये वाला भी होगा। अब सब्ट्रैक्शन, अब तुमने इसके अंदर ऊपर वैल्यू ले ली ना, अब तुम्हें कोई लेने की नीड नहीं है, सही है। अब तुम्हें मतलब कि अपना सेल लेने की नीड नहीं है, तुमने ऊपर वाले ए और बी ले लिया। अब ए माइनस बी करोगे तुम डायरेक्ट पहुंच जाओगे भाई, फिर बी ए मल्टीप्लाई बाई बी करोगे, मल्टीप्लाई करवा दो वैल्यू जो भी तुम लेना चाह रहे हो, ठीक है। तुमने जैसे तुमने 15 और 10 दे दिया ना, अब इसको माइनस करोगे तो तुम्हारे पास 5 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 150 आ जाएगा, फिर तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास हो आ जाएगा, और फिर मॉडुलस के अंदर क्या होगा वो तुम देख लो, ठीक है। डिवाइड किया ये रिमाइंडर के अंदर तुम लगा लो कि भाई कर लो 10 डिवाइड बाय 15 क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है ये आ जाएगा, सही है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, उसके बाद तुम्हारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझने के लिए मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊंगा, चलो मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप एक एक मतलब के नंबर एक वैल्यू को ऐड करा रहे होते हो। इंक्रीमेंट हमेशा किस तरीके से होगा, इंक्रीमेंट आपके प्लस प्लस पे होता है, प्लस प्लस बनाओगे या आपका एक इंक्रीमेंट हो रहा होता है, या तो आप प्लस प्लस ए कर दो, ठीक है, या ए प्लस प्लस कर दो, वो इंक्रीमेंट होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुमने क्या किया है, यहाँ पे ए 10 था तुम्हारा, तुमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया है अपने इसके अंदर, उसको प्लस प्लस ए कर दिया है। प्लस प्लस ए का मतलब क्या है कि ये बेसिकली 1 जो है एक तुम्हारा ऐड हो जाएगा, 10 था तुम्हारे पास, तुमने यहाँ पर एक है तो ये बेसिकली 1 होता है, 10 प्लस 1 11, तो ये तुम्हारा प्रिंट 11 होगा क्योंकि 1 आपका ए में ऐड हो जाएगा, ठीक है, सही है। देखो एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अगर तुम्हारे इसमें ये एक्स प्लस प्लस या इस तरीके से आ जाता है वो बेसिकली तुम्हारे पास क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये बेसिकली अगर एक्स एक्स मतलब क्या कैसे बोल रहा हूँ, प्लस प्लस एक्स है तो वो तुम्हारा प्री इंक्रीमेंट है, मतलब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट जिसको कह रहे हो ना, ये यहाँ पे जो इतना बड़ा बड़ा हरफों में लिखा हुआ है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्लस प्लस एक्स की बात होगी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, एक्स प्लस प्लस की बात होगी वो पोस्ट इंक्रीमेंट है, सही है। नीचे आ जाते हैं, अब यहाँ पे ये पोस्ट इंक्रीमेंट का तुम लोग को समझा रहे हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या किया, ए प्लस प्लस कर दिया, ए तुम्हारे पास 10 है, ए प्लस प्लस करोगे, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपका 10 क्यों रहा,
ठीक है। देखो पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर सिंपल सा समझ लो कि पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू ए जो है वो प्रिंट कर रहा है 10, क्योंकि 1 जो है वो ऐड हुआ ए के अंदर, ठीक है, आफ्टर प्रिंटिंग, ठीक है, सो दैट ए विल बी चेंज टू 11। अभी यहाँ पे इसलिए ये हुआ है क्योंकि देखो ए जो है आपके पास 10 है, ठीक है, तो ये आपके पास सीधा सीधा भी 10 आ जाएगा। जब इसको आप सी आउट करोगे फिर से दोबारा, ठीक है, आप इसको सी आउट करोगे तो वो बेसिकली आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, सही है। और एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, हर प्रोग्राम के बाद जैसे कि तुम सी आउट लिख रहे होते हो, ठीक है, और अगर नई लाइन पे आना चाहते हो तो तुम एन बन वो कर दो, या फिर तुम एक और चीज़ भी कर सकते हो। एक और चीज़ का मतलब क्या है, वो तुम्हारे पास है, जैसे कि तुमने लाइन सेपरेशन तुमने करनी है ना, जैसे सारी चीज़ तुम्हारे पास साथ आ रही है, पाकिस्तान इंग्लैंड सब चीज़ तुम्हारे पास जैसे सीधी वे में आ रही है, अब तुमने क्या किया यहाँ पे, इस तरीके से तुम लगाओगे, यूँ लगाओगे एंड, ठीक है, एंड एल, मतलब कि एंड लाइन, एल का मतलब है लाइन, तो ये करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, पूरा जो है अपने लाइन्स पे आता जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिस तरह इंक्रीमेंट में प्लस कर रहे थे इसके अंदर माइनस करोगे तो बाकी सारा वही प्रीफिक्स वो सारी चीज। रिलेशनल ऑपरेटर क्या चीज होती है, रिलेशनल ऑपरेटर समझने के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो क्या है, इसके अंदर बेसिक इतना समझ लो कि दो एंटिटीज की नीड होती है, एक तो आपके पास जो होता है एक ट्रू होता है और दूसरा आपके पास फॉल्स होता है, और इसको रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। कैसे भाई, ये देखो जब भी आपके पास ऑपरेटर आ गया इक्वल्स टू, मतलब कि यहाँ पे आप इक्वल्स देखोगे, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है, ये अगर दोनों चीज इक्वल होगी तो आपका क्या होगा, अगर दो चीज इक्वल नहीं होगी देन फिर क्या है, ये सारा आपका यहाँ पे सिचुएशन है। उसके बाद ग्रेटर देन, फिर लेस देन का साइन है ये, फिर आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है, यहीं पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये होता है कि ए बेसिकली क्या है, ए के इक्वल, देखो ए की वैल्यू जो बेसिकली है वो बी से बड़ी होगी, ठीक है, या ए की वैल्यू बी के बराबर होगी, इसी तरह यहाँ पर है कि ए की वैल्यू बी से छोटी होगी, सही है, या ए की वैल्यू बराबर होगी बी के, तो लेस देन और इक्वल टू। इसका कुछ प्रोग्राम इस तरीके से देख लो, आईओ स्ट्रीम हम इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे कर दिया 10 20, रिलेशनल ऑपरेटर हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हम फॉल्स कर रहे हैं ए इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पे क्या है कि ए मेरा 10 है बी मेरा 20 है, तो यहाँ पे आउटपुट में मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। कैसे 0 आया, देखो मेरा ए 10 है और बी मेरा 20 है, मैंने क्या बताया था इक्वल इक्वल टू का मतलब कि ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल तो नहीं है, अगर 20 20 होता, इसमें दो चीज़ें कंपैरिजन होता है, एक तरीके से रिलेशनल कंपैरिजन होता है, दो चीज़ इसमें बात होती है, वन इज बेसिकली ट्रू और सेकेंड इज बेसिकली जो 0 होगा वो फॉल्स होगा, तो यहाँ पे 0 है, ये देखो यार ये इक्वल नहीं है 10 और ये, तो ये यहाँ पे 0 आ गया। अब सेकंड पे आ जाते हैं, ठीक है, अब क्या है तुम्हारे पास, अब यहाँ पर देखो इधर क्या हो रहा है, ए बेसिकली हमारा छोटा है बी से, ए बेसिकली छोटा है बी से, हाँ ट्रू है, सही बात कह रहा है, छोटा है तो 1 आ गया। उसके बाद ए बेसिकली मेरा बड़ा है बी से, नहीं बड़ा है भाई, कहाँ से बड़ा है, तो ये मेरा 0 आ गया। फिर ए जो है, ठीक है, यहाँ पे बी जो है, इधर क्या होगा, इधर हमारे पास ये है कि मेरा देख लो बी जो है बेसिकली वही मैंने तुम्हें बताया था, बी छोटा है, सही है, ए से, तो हमारा बी जो है वो छोटा है ए से, सही है, तो बी जो है वो हमारा छोटा है ए से और इक्वल है, इक्वल तो नहीं है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इधर क्या है, अगर इधर तुम लोग समझना चाहो कि भाई ए मेरा बड़ा है ए के और इक्वल भी है, ए मेरा बड़ा है इक्वल के, ठीक है, ए मेरा बड़ा है ए के, ठीक है, और इक्वल भी है, हाँ इक्वल भी है, तो ये 1 हो गया। मगर इस तरीके से ये क्या है, बी से है, मतलब नॉट इक्वल टू, मेरा जो बेसिकली बी है वो इक्वल नहीं है ए के, तो वो मेरा जो है नहीं है, तो वो जब नहीं है तो 0 होगा। इस तरीके से आपने ये वाला पूरा समझना है, यही पूरा रिलेशनल ऑपरेटर है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, इसके अंदर कुछ कंडीशनल होती है, और यही सारी चीज़ें जो होंगी हम आगे जाकर पढ़ेंगे चैप्टर 6 के अंदर, DLD, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, उस चैप्टर के अंदर ही हम ये पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि भाई अब ये तुम्हारे लिए क्या है, डबल एंड हो गया एंड, ठीक है, तो एंड ही होता है, इसको एंड कहते हैं। इसके अंदर क्या है, इतना समझ लो तुम लोगों की आसानी के लिए, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि आपके जो बेसिकली दोनों ऑपरेटर हैं वो क्या होने चाहिए, वो ट्रू होने चाहिए, दोनों ऑपरेटर्स ट्रू होने चाहिए, सही है। इसमें क्या है, और ऑपरेटर में अगर एक भी ऑपरेटर आपका ट्रू हुआ तो वो बेसिकली ट्रू है, ट्रू का मतलब कि वो 1 है, वरना दोनों ऑपरेटर ट्रू हुए तो फिर आपका ये होगा, वरना ये फॉल्स है। और इधर क्या है, नॉट का मतलब उल्टा होता है, मतलब अगर आपका फॉल्स जो होगा वो ट्रू हो जाएगा और ट्रू जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, बस ये समझ लो, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लो यार, सबसे पहले अगर मैं ऊपर एल की बात करूँ तो 10 जो है वो मेरा बड़ा है किससे, इससे 12 से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, एक्स मेरा बड़ा है छोटा है इससे, तो हाँ ये है। तो भाई इस तरीके का जो है सिनेरियो वहाँ पे, तो इधर क्या क्या रहे हैं कि आपकी कंडीशन जब ट्रू होगी अब दोनों एक्सप्रेशन आपके ट्रू होंगे, अभी तो दोनों एक्सप्रेशन आपके ट्रू है ही नहीं, ठीक है, दैट्स बेसिकली ये। उसके बाद अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये वाला। अब यहाँ पे अगर कोई भी एक कंडीशन तुम्हारी सही हो जाती है और के अंदर, तो वो तुम्हारा ट्रू है। अब 10 तुम्हारा जो है, 10 तुम यहाँ पे लिखोगे, 10 तुम्हारा बड़ा है वाई से, तो ये कंडीशन तुम्हारी सही हो गई। और एक्स तुम्हारा बड़ा है जेड से, एक्स तुम्हारा बड़ा नहीं है छोटा है, तो मगर ये कंडीशन तुम्हारी सही हो गई तो तुम्हारा ट्रू है। और इसके अंदर तुम्हारा बेसिकली क्या है, ठीक है, ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं, ये है हमारे पास निगेशन, जो तुम्हारा ये लगा हुआ है ना, इसको कहते हैं हम निगेशन, जो इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिंपल होगा कि भाई एक्स मेरा छोटा है किससे, वाई से, एक्स मेरा छोटा नहीं है वाई से, मतलब एक्स जो है 10 है और वाई मेरा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी अगर फॉल्स होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर ट्रू होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, बस ये वाली बात है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर बता रहे हैं ये, ठीक है, इसको देख लो। जैसे कि तुम्हें इधर इन्होंने प्रोग्राम पूरा मैंने ऊपर समझा दिया है, वो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। असाइनमेंट ऑपरेटर वही होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर जो वेरिएबल्स के बाद, जैसे कि तुम समझ लो ए इक्वल्स टू, ठीक है, ये असाइन कर रहे होते हैं आप कोई भी वेरिएबल्स को, तो ये इस तरीके से। और इक्वल ऑपरेटर क्या होते हैं, इक्वल ऑपरेटर आप इसी भी दो मतलब के कंपेरिजन कर रहे होते हो, तो वो आपका इक्वल ऑपरेटर है, ठीक है। जैसे कि आप इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर एक्स इक्वल्स टू 10, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब यहाँ पे आप किस तरीके से करोगे, 10 मतलब कि ये आपका एक्स जो होगा, सॉरी, एक्स इक्वल्स टू वाई, इस तरीके से कर लो, सही है भाई, ये आपका हो गया। अब आपके पास क्या है, ये आपको छोटा सा प्रोग्राम है इन्होंने दे दिया है कि भाई आपका x 20 है y 10 है, इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या है, इक्वल वर्सेस ये आपने बता रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले x जो है वो आपके पास 20 आ जाएगा और y आपका 10 आ जाएगा, ये ऐसे ही उतर जाएगा। और x इक्वल टू ऑपरेटर इक्वल मतलब कि देख लो मैं समझा देता हूँ, आसान है, x मेरा 20 है y मेरा 10 है, ये ऐसे ही उतर गया, x 20 y 10, मतलब नीचे में जाकर ये इक्वल हो रहा है, मतलब कि एक्स मेरा 20 है और इक्वल्स टू 10 है, ये इक्वल है नहीं है तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो जीरो आ गया, जब इक्वल होगा तो बनाएगा ना, ठीक है। ये डीएलडी के कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे करो, रिलेशन पूरा डीएलडी वाला है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या मामलात हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास जो मामलात हैं वो थोड़े से जो है हिचकिचाहट वाले मामलात हैं। हिचकिचाहट वाले से क्या मुराद है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो भाई, ये तुम्हारे पास आ रहे हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसके अंदर क्या है कि ये कंबाइन होकर आपके पास इस तरीके से आ रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू, इस तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताऊं, तो एग्जाम्पल किस तरीके से है कि मैंने इंट लिया, ठीक है, इंट एक ही बताऊंगा सब वैसे ही होगा, इंट मैंने ए इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर करा दिया, ठीक है। अब मैं एडिशन कराना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ये है कि मैंने सिंगल कमेंट लगाया, अब मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ कि ए इक्वल्स टू ए प्लस टू, सही है, और उसके बाद मैं यहाँ पर सी आउट कर दूंगा। सी आउट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इधर ए कर दिया और यहाँ पे मैंने सबसे पहले एंड एल करा दिया, एंड एल मैंने तुम्हें बताया था ना, एंड एल करवा दिया, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हुआ, समझ में आया, नहीं आया होगा, वजह क्या, देखो सबसे पहले मैंने ऊपर ए जो लिया था वो मेरा 10 था, ए प्लस टू, ए प्लस इक्वल टू 2, मतलब कि ए के अंदर 2 को ऐड करा देना, इसका जो मैंने कमेंट ऐड किया इसका मतलब ये, ए मेरी क्या वैल्यू है 10 थी, उसके अंदर 2 ऐड करवा दो, तो ए प्लस इक्वल टू 2 भी जो होगा उसके अंदर भी यही होगा कि जैसे ये था ना ए प्लस इक्वल्स टू, तो ये ए प्लस इक्वल्स टू उसका मतलब भी यही है कि ए जो वैल्यू है, सही है, ए प्लस इक्वल्स टू 2, तो इसके अंदर 10 जो है उसको प्लस करवा दो तो वो 12 हो गया, और यही इसी तरीके से प्रिंट हो जाएगा 12। इसी तरह माइनस करोगे, अगर मैं इसको माइनस 2 कर दूँ तो 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20 हो जाएगा, ऐसे ही सारी चीज़ यही इसी तरीके से करना है, सही है। तो ये बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर जो है वो हमारा 3 था, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट अगर समझ लो कि सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम बेसिकली आप लाइन बाय लाइन जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, सही है। उसके बाद आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट जो है एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, वो बेसिकली एक तरीके से समझ लो कि एग्जीक्यूट होगा टॉप टू बॉटम पे,
यार। और इसके अंदर बेसिकली आपके पास क्या क्या चीज आ जाती है, इसमें आपके पास तीन टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। एक आपके पास सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स होता है, आइट्रेशन और लूप्स होता है, और जंप होता है। ठीक है, हम इसको इतना डेप्थ में समझेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का इतना सा समझ लो कि सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग यही होता है कि कोई फैसला लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके पास 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए होते हैं, ठीक है, और आपने एक घर लेना है, तो आप फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर जाओगे? आप फॉर एग्जाम्पल भाई सोच रहे हो कि यार मैंने डिफेंस में घर लेना है। ठीक है, अब आप डिफेंस में घर तो ले लोगे, बट फिर आप सोचते हो कि यार मेरा जो बेसिकली जॉब, मेरी जो मैं जहाँ काम करता हूँ वो मेरा फॉर एग्जाम्पल शारे फैसल पर है। ठीक है, तो जब मेरा काम जो है बेसिकली जो मेरा वर्क है जहाँ मैं जॉब करता हूँ शारे फैसल पर, तो मैं वहीं पर ही लूंगा। अब वहाँ से अब आप सोचोगे कि मेरा उससे करीब क्या चीज़ पड़ती है जहाँ पे मैं घर ले सकता हूँ, तो वहाँ पे आपका PCHS पड़ता है। ठीक है, PCHS पड़ता है, तो वहाँ मैं अपना घर ले सकता हूँ। ये बेसिकली आपके डिसीजन होंगे। ठीक है, द सेकंड थिंग इज दैट इज आइट्रेशन और लूप। आइट्रेशन और लूप को समझने के लिए इतना ही है कि आप बेसिकली बार बार रिपीट करना है जो भी चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे होते हो, दैट वॉज कॉल्ड आइट्रेशन और लूप भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल की रूटीन है, क्या होती है? सुबह उठते हो 8 बजे, स्कूल जाते हो, ठीक है, असेंबलीज होती हैं, और अगर 8 बजे उठते भी नहीं हो, जैसे स्कूल की तुम्हारी रूटीन लगा लेते हैं कि जाते हो तुम स्कूल जाते हो, स्कूल के अंदर असेंबलीज होती हैं 8 बजे, फिर 8:30 से 9 तक एक सब्जेक्ट का होता है, फिर उसके बाद 9 से लेकर 9:30 दूसरे सब्जेक्ट का होता है। यही पूरा तुम्हारा वीकली चलता रहता है कि भाई ये सब्जेक्ट इस तरीके से, फिर दूसरा इस तरह। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपके पास जंप का बेसिकली होता है। ठीक है, जंप में क्या है, जंप के अंदर बेसिकली जो होता है वो कंडीशनल जंप या इस तरीके से होता है। ठीक है, कंडीशनल जंप होता है, नॉन कंडीशनल जंप होते हैं। कंडीशनल जंप ये होता है कि भाई इसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन परफॉर्म हो रहा होता है, सही है, और वो कंडीशन ऐसा परफॉर्म होता है कि आप ऐसी कंडीशन परफॉर्म हो जंप कर सके। हम अब आ जाते हैं अपने मेन इस पे जो कि सिलेक्शन और डिसीजन है। सही है, मैंने तुम लोगों को ये बता दिया कि आप कोई डिसीजन ले रहे होते हो, उसके ना तीन डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हम जो है बेसिकली पढ़ेंगे। एक इफ स्टेटमेंट है, एक हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है, और एक स्विच का स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट अगर हम समझने की कोशिश करें एक वर्ड के अंदर, तो अगर, ठीक है, इतना मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जो तुम लोगों की जिंदगी है, सही है, या मेरी जिंदगी है, तो वो इफ एल्स पर ही जो है बेसिकली गुजरती है। इफ एल्स पे किस तरीके से गुजर रही है कि आपके सारे डिसीजन जो होते हैं वो इफ एल्स पर ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मैं अपना भी, तुम लोग क्या मैट्रिक के पेपर्स दे रहे हो, ठीक है, मैट्रिक के पेपर्स के देने के बाद तुम्हारा आ जाएगा टाइम कॉलेज का, जो कि तुम लोगों को अपना जो है कॉलेज के फॉर्म फिल्स करने पड़ेंगे। अब क्या है वहाँ पे कि तुम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि तुम लोग अब ये देखोगे कि अगर मेरी परसेंटेज, अभी तुम सोच रहे हो कि अगर मेरी परसेंटेज 90+ आ जाती है, ठीक है, मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली कहाँ, वो आदम जी के अंदर ले सकते हैं। अगर उनकी, अब वो सोचेंगे कि भाई मेरी अगर 80s में आ जाती है तो मैं फिर जो है टीजे के अंदर ले सकता हूँ, अगर मेरी उससे कम आ जाती है, 80 से कम, तो मैं उधर ले लूंगा। और अगर गर्ल्स की बात कर ली जाए कि भाई अगर, क्योंकि गर्ल्स में क्या है कि गर्ल्स में ऑब्वियसली बात है मेडिकल्स में या कोई भी पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं, तो उनकी परसेंटेज भी थोड़ी हाई होती है, लाइक मेडिकल्स में जाए या कुछ भी। ठीक है, तो अगर आपकी 90+ आ जाती है, आप एक, आप बोलोगे अगर मेरी 90+ आ जाएगी तो मैं PCHS में जाऊंगी, ठीक है, और अगर मेरी उससे कम आ जाती है तो मैं भाई उसके बाद जो है शहीद मिल्लत में जाऊंगी या ST लॉरेंस में जाऊंगी, या कुछ होंगे कि भाई मेरी अगर 80 से भी कम आ जाती है तो मैं भाई सर सैयद लूंगी। तो ये इस तरीके से पूरा जो है अगर का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो आपका इफ के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें अगर इफ का स्टेटमेंट में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ कि इस बेसिकली आपकी कंडीशन को चेक कर रहा होता है। जैसे मैंने तुम लोगों को याद है कि बताया था उसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर क्या चीज़ बताई थी कि भाई ये चीज़ बेसिकली हमारी क्या होती है, ये हमारा होता है डायमंड, डायमंड शेप्ड होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट में मैं तुम्हें बताया था ये किसी क्या होता है, डिसीजन ले रहे होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो है फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एज इतनी है तो ये भाई यहाँ पे रन कर जाएगा, ये बोलेगा गुड, अगर एज 18 नहीं है तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इंट लगाया, इंट एज किया, ठीक है, इंट एज क्या है 19, ठीक है, आपने क्या किया, इफ इफ एज जो है अगर उसकी एज बड़ी होगी 19 से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपका प्रिंट कर देगा, सही है, सी, वो आपका बेसिकली जो है प्रिंट कर देगा। वो प्रिंट क्या करेगा, वो आपका प्रिंट कर देगा कि यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो ये आपका किस में आ गया, यू आर एलिजिबल। अगर वो भाई नहीं हुआ, अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल एलिजिबल नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे प्रिंट कर देगा गुड लक। अब जैसे कि भाई वो एलिजिबल नहीं होता, यहाँ पे मैं जो है 17 कर देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली गुड लक प्रिंट कर देगा, सही है। और अगर मैं 19 से अबव वहाँ पे करता हूँ, तो वो मेरा दोनों चीज़ प्रिंट करेगा कि आप एलिजिबल भी हो, गुड लक भी कह देगा बाप। इस तरीके से पूरा इफ का स्टेटमेंट आपका चल रहा होता है, सही है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये आपको क्या बता रहा है, ये इसी तरीके से आपको एक मार्क्स का लेना बता रहा है, समझो इस चीज़ को थोड़ा सा। इसमें हो क्या रहा है कि इसने इंट वर्ड में नहीं किया, आपका एक मार्क्स ले लिया, मार्क्स ये वही चीज़ है, इसने वेरिएबल को असाइन कर लिया यहाँ पर, ये साइन। अगर ये चीज़ को समझ में नहीं आता तो मैंने ये अभी
चैप्टर 3 में डिस्कस करा है, वहाँ देख लेना। इसने यहाँ पे जो है इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को, ठीक है। तो साइन मार्क्स मतलब कि आप मार्क्स जो है यूजर इनपुट लोगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने क्या कर दिया कि आपने क्या मार्क्स स्कोर करे हैं, ठीक है। अब मार्क्स आप कुछ भी डालोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल आप 60 डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 60 डाला आपने तो वो आपका किया कि आप 5 क्लास में ही हो अभी। अगर आप 70 से अबव मार्क्स डाल देते हो यहाँ पर, सही है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट क्या करा देगा कि आपका ए ग्रेड आया। इस तरीके से ये प्रोग्राम हो, ठीक है। देन नाउ हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड इफ को समझने के लिए इतना समझ लो कि इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब कि ये इतना है कि अगर पहली आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, देन फिर वो दूसरी कंडीशन में जाएगा, सही है। इफ के अंदर जो स्टेटमेंट आएगा वो अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर आपको दूसरी कंडीशन में जाएगा। जैसे कि भाई आप यहाँ पे मार्क्स ले रहे हो, एज ले रहे हो, आपने यहाँ पे मार्क्स लिया और एज लिया, अगर ये मार्क्स 60 का होगा और उसकी एज 18 है, दोनों चीज 60 पहले हुआ तो फिर ये अंदर जाएगा, फिर वो देखेगा कि भाई उसकी एज 18 है, देन फिर उसको वो जॉब मिल जाएगी। अगर वो नहीं हुआ तो वो गुड लक पे आ जाएगा। बस ये चीज है तुम्हारा, कि इतना समझ लो इफ के अंदर एक और स्टेटमेंट है। अगर ये चीज आपके मार्क्स कितने आ गए, 60 से ज्यादा आ रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट जब आपकी सही है, अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, ठीक है, देन फिर वो दूसरी कंडीशन में जाएगा। अगर ये कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आकर आपको गुड लक प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई उसके बाद आपकी एज भी वो है तो फिर आपको रिकॉर्ड है जॉब, ये आपका पूरा ये है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चल लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे क्या चीज है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट यार इतना समझ लो, इफ का स्टेटमेंट वही होता है जो तुम लोगों का बेसिकली मैंने तुम लोगों को ऊपर बताया, ये मैंने तुम लोगों को बताया था इफ का स्टेटमेंट, ये कि अगर देखो यार ये इस तरीके से है कि अगर तुम्हारी 18 से ज्यादा आ गई तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर कहाँ है तो फॉल्स हो जाएगा। एल्स क्या चीज होती है, एल्स स्टेटमेंट, एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये बेसिकली क्या है कि ये भी काम कर दिया जाएगा, सही है। जैसे इसको प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मार्क्स को एंटर कर रहा है, मार्क्स एंटर किया, अगर 40 से ज्यादा है हमारा तो हम पास हो जाएंगे, अगर 40 से कम है वो एल्स की कंडीशन में आ जाएगा। कि अगर ये एल्स क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा और ये आपको एज यू आर फेल कंसिडर कर देगा, ठीक है। एल्स इफ क्या चीज होती है, एल्स इफ इतना तो समझ लो कि बेसिकली एल्स इस कंडीशन बेसिकली नेस्टेड होती है, ठीक है, कि ये कंडीशन ऐसी है कि मतलब ये कंडीशन क्या है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मार्क्स एंटर कर रहे हो, ठीक है, मार्क्स एंटर कर रहे हो, अगर उसके मार्क्स 80 हैं, ठीक है, तो भाई वो A1 बंदा A1 हो जाएगा। अगर उसके मार्क्स, ठीक है, एल्स अगर उसके 70 हैं तो वो ए में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली ना ये क्या होगा कि भाई अगर उसके 80 हुए तो वो A1 है, 70 हुए तो A है, अब वो कम होता जाएगा वो ऑटोमेटिकली। अब आप बोल रहे हो कि 50 पर मेरा सी है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मार्क्स 40 लेता हूँ और मेरे पास फेल आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, इसलिए कि सबसे पहले 80 चला मेरा, 80 पे क्या हुआ, A1 ग्रेड आया, वो आपका है नहीं, आपने 40 लिया हुआ है, आपका 70 चला वो आपका ग्रेड A आ गया, वो भी आपके मार्क्स नहीं है, फिर आपका 60 चला वो भी आपके मार्क्स नहीं है, बी ग्रेड था वो, देन अब आपका चला 40, तो 40 ऑटोमेटिकली एल्स की कंडीशन में आकर आपको फेल कंसिडर करेगा, ठीक है, सही है। अब आपके पास है स्विच स्टेटमेंट, स्विच भी तकरीबन वैसे ही काम करता है, मगर ये बेसिकली एफिशिएंट काम करता है। एफिशिएंट काम किस तरीके से करता है, हम बेसिकली डायरेक्ट इसके प्रोग्राम्स में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा स्विच में क्या है, स्विच के अंदर सबसे पहले इस तरीके से होता है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है इसको गौर से समझो। स्विच के अंदर ये हुआ कि आपने सबसे पहले यहाँ के आप केसेस दे देते हो और फिर आपको इसको ब्रेक भी करना होता है। ब्रेक का असल मकसद ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो मेरी चीज़ें, मैंने अगर नंबर्स प्रिंट करवाए तो मेरे सारे नंबर्स 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो गया, तो ये ब्रेक का मतलब ये होता है कि भाई उसी को चलाएगा, बाकी को टर्मिनेट कर देगा, मतलब बाकी को नहीं चलाएगा। अभी जैसे मैंने इसको रन करा, मैं कोई केस को रन कर रहा हूँ तो मेरे साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल केस 1 रन करा मैंने, जब केस 1 अगर मैं इसको नेचुरल वो नंबर कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं इवन नंबर्स दे रहा हूँ 2, 4, 6, 8, तो जब मैं 1 करूंगा, 1 मैंने जब यूजर लिया तो ये 2, 4, 6, 8 सब ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं, मगर इसके बाद मुझे क्या करना होगा कि हर केस में ब्रेक लगाना होगा। जब ब्रेक का मतलब असल में क्या है कि वही केस चलेगा जो केस मैंने किया है वहाँ पे, ठीक है, सारे केसेस नहीं चला, मैंने 1 किया ना तो मेरा 2 चलेगा, बस ब्रेक यही होता है कि जो है वो चलेगा बाकी को टर्मिनेट कर देगा, सही है।
इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि यहाँ पर ये हमने एक इंट डॉ ले लिया, अब जो भी चीज़ हम यहाँ पर इंटीजर के अंदर लेते हैं उसको हमने बेसिकली क्या करना है, उसको हमने स्विच के अंदर भी डालना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रिंट करवाया कि वीक डेज 1 to 7, सही है। अब इधर हो क्या रहा है, गौर से समझना, यहाँ पे हो ये रहा है कि मैंने केस 1 लिया, मेरा संडे है, केस 2 मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और डिफॉल्ट क्या हो, वैलिड, इनवैलिड। ये क्या है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ से, यूजर वो ले रहा हूँ, अगर मैं 1 लिखूंगा हाँ तो मेरा सारा फुट हो जाएगा जब तक मैंने ये ब्रेक नहीं लगाया, तो संडे मंडे ट्यूसडे वैसे थर्सडे। हाँ, अगर मैं केस 3 लूंगा फिर तो मेरा भाई वही आएगा जो मेरा ट्यूसडे है, अगर मैं ट्यू सही है, मगर जब मैं 1 लूंगा तो सारे प्रिंट हो जाएंगे एक साथ। अब उसके लिए क्या बेहतर अंडरस्टैंडिंग है कि तुम ब्रेक लगा दो सब पे, जब ब्रेक लगा दोगे तो वही चीज चलेगी जो तुम्हारा है। मैं केस 1 जब ले रहा हूँ, केस 1 पुट करूंगा तो मेरा संडे ही प्रिंट होगा, बाकी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब डिफॉल्ट क्या होते हैं, डिफॉल्ट का मतलब इतना समझ लो कि आपके सारे केस फॉल्स हैं, ठीक है, आपने 8 डाल दिया वहां पर तो वो आपका डायरेक्टली इनवैलिड डे नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, सारे केस फॉल्स हैं, सही है। तो ये वाले कुछ मामले थे, हम आ जाते हैं अब इसमें। मैंने तुम लोगों को ये बता दिया कि इफ क्या था, इफ के अंदर हम चेक कर रहे होते हैं कि भाई ये कंडीशन अगर चाहिए तो वो ट्रू हो जाएगी, नई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ एल्स के अंदर मैं तुम्हें बता दिया था कि भाई ये कंडीशन सही है, एल्स में कि भाई अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो वो हो जाएगा। स्विच में तुम्हें बता दिया, पूरा चेक करेगा वो वेरिएबल को, ठीक है, केसेस में ब्रेक लगा दोगे वहां पे, ठीक है, तो वो हो जाएगा कि एक ही को प्रिंट करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा बाकी, सही है। अब हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या चीज होती है, इतना समझ लो, आइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइट्रेशन को समझने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिंपल सी बात। देखो, प्रोग्राम में बेसिकली प्रोग्राम आपके जो भी होते हैं ना, कोई भी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम आप कर रहे हो तो वो बेसिकली आपके सारे जो भी होते हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में मतलब कि ऐसा काम जो आप रिपीटली कर रहे होते हैं ना, वो बेसिकली आपका क्या है, कोई भी ऐसा काम जो आप रिपीटली कर रहे हैं वो आपका हाइड्रेशन है। ठीक है, जैसे कि आप सुबह स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद भाई आप घर आते हैं, सो जाते हैं, फिर आप क्या है, फिर आप जो है होमवर्क करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, ये आपका एक रिपीटेडली काम हो रहा है, सही है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, सही है, जो कि लूप के फॉर्म में आपको, 3 लूप्स होते हैं यहाँ पे, फॉर, वाइल, डू वाइल, सही है। अब कंडीशंस क्या क्या होती है, सबसे पहले तुम्हारी पहली कंडीशंस होती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब कि भाई तुमने इंट आई इक्वल्स टू 5, कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई लूप विथ 5, कि मैंने अपने लूप को स्टार्ट करना है 5 से। सेकेंड कंडीशन तुम्हारी क्या होती है, सेकेंड कंडीशन ये होती है कि भाई हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, मेरी जो कंडीशन मैंने जो ली है वो मेरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। एंड देन थर्ड कंडीशन जो होती है वो आपकी क्या है, कि वो आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इतना समझ लो, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप प्लस प्लस लगाओगे इट्स इंक्रीमेंट, माइनस माइनस लगाओगे इट्स डिक्रीमेंट, सही है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने तुम लोगों को पूरा फॉर लूप समझा दिया। फॉर लूप का ये हमारा है, देखो इनिशियलाइजिंग मैंने तुम्हें बताया कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 5 दे दिया, मतलब कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लूप 5 से। अब हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या है कि ये मेरी जो कंडीशन मैंने लगाई है ये ट्रू है या फॉल्स है। देन फिर हम इंक्रीमेंट लगाएंगे कि भाई हमें प्लस प्लस करना है या माइनस माइनस करना है। देयर इज अ प्रोग्राम, हम इसको देख लेते हैं कि क्या बात कर रहे हैं ये। अब मुझे इवन नंबर्स को प्रिंट आउट करना है, तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले अगर समझने के लिए है तो तुम्हें इवन नंबर्स को प्रिंट आउट से पहले मैं तुम्हें एक दूसरा प्रोग्राम बता देता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंट है और वो मेरा क्या है, नंबर इक्वल्स टू 1, सही है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फॉर का लूप चलाया। फॉर का लूप चलाने के बाद मैंने इधर क्या कर दिया, मैंने इधर कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो है मैंने आई इक्वल्स टू 1 दे दिया, यहाँ पे मैंने क्या है 10 दे दिया, और यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस दे दिया। ठीक है, और नीचे मैंने क्या कर दिया, नीचे मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने जो है सिंपल इसको आई को प्रिंट करा दी। तो ये क्या होगा, जब मैं 1 करूंगा तो ये चेक करेगा भाई 1 है मेरे पास। देखो यहाँ पे मैंने आई को 1 दे दिया, इसको मैंने कंडीशन दे दी, आप कंडीशन दे दो 10, और ये मैंने आई प्लस प्लस करा दिया। ऐसे समझा रहा हूँ, समझ जाओ। अब 1 है मेरा, मैं सबसे पहले काउंट चेक करूंगा 1, ठीक है, मेरा काउंट हुआ। उसके बाद मैं अपनी कंडीशन को चेक करूंगा कि मेरा ये 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये क्या करेगा, ये मेरा ऐड करा देगा, ये मेरा 2 हो गया। अब 2 की कंडीशन को मैं यहाँ पे रखूंगा, 1 प्लस 2 हो गया, ये प्लस प्लस करा रहा हूँ, ये 2 हो गया। 2 की कंडीशन को चेक करूंगा, 10 है, हाँ सही है, फिर ये 1 आ गया, 2 आ गया। फिर उसके बाद फिर मैं कंडीशन 3 हो गई, 3 को चेक करूंगा, 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर मेरी 3 आ गई। इस तरीके से पूरा 10 तक बनेगा, ये ऐसे पूरी कंडीशंस आपकी चेक होती है। अब जैसे यहाँ पर था, ये भी इवन नंबर ले रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि भाई 20 है आपके पास, 2 आपको काउंट दिया हुआ है, 2 आप चेक करोगे, ठीक है, 2 आपका है, 2 इससे छोटा है, हाँ छोटा है, 2 आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 जो है यहाँ पर आया, तो काउंट क्या था आपके पास, वैल्यू 2 थी, तो 2 प्लस 2 इवन नंबर 4 हो गया, 4 चेक करोगे, 4 छोटा है 20 से, हाँ है, 4 प्रिंट हो गया, क्योंकि काउंट काउंट प्रिंट हो रहा है, 4 आपका प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप ये करोगे,
वाइल लूप के अंदर क्या होता है, वाइल लूप के अंदर आपको बेसिकली जो होता है कि कंडीशन जो होती है, टर्मिनेटिंग कंडीशन जो होती है वो पता होता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग कंडीशन जो है वो आपको पता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है आपके पास, ये बेसिकली इतना समझ लो कि आपके पास फॉर लूप जो होता है, हाँ, और या वाइल लूप होगा वो बेसिकली प्री सेट लूप होता है। प्री सेट का मतलब क्या है कि इसकी एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूट आप कर रहे होते हो उससे पहले चेक कर लेते हैं कि ये, ठीक है, आप बस इसको चेक कर लेते हो एक दफा, सही है। ये भी जैसे कि प्री सेट लूप है, ये कंडीशन को टेस्ट कर लेता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने से पहले लूप के, ठीक है। अब मगर जैसे डू वाइल हो गया ये, इसके अंदर इतना समझ लो कि प्री टेस्ट के अंदर आप जो है पहले ही चेक कर लेते हो अपनी कंडीशन की। यहाँ पे आप अपनी चेक कर रहे हो कंडीशन को कि भाई कंडीशन क्या चेक कर रहे हो, मैं फिर से समझा रहा हूँ, प्री टेस्ट अगर समझ में नहीं आया। प्री टेस्ट हम एग्जीक्यूशन चेक कर लेते हैं, ये पहले ही चेक कर लेते हैं कि भाई देखो यहाँ पे 2 था, 2 को मैं प्लस करा रहा हूँ, 2 4 हो गया, 4 अब यहाँ से छोटा है तो मेरा 4 प्रिंट हो गया। मगर डू वाइल के अंदर जो होता है वो आपका क्या होता है, वो पोस्ट टेस्ट होता है, क्योंकि पहले आप डू कराते हो, जो काम करवाना है वो करवाते हो, देन फिर उसके बाद होता है, ठीक है। अब वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप के अंदर सबसे छोटा एक मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हें वाइल लूप बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। देखो भाई मैंने यहाँ पे भी क्या किया, मैंने इंट ले लिया, ठीक है, इंट लिया मैंने, सही है। अब वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप के अंदर कुछ इस तरीके का है मामला, ठीक है, कि मेरा जो नंबर है वो इस तरीके से, ठीक है, अब मैं सी आउट कर दूंगा, और सी आउट जो है बेसिकली मेरा यहाँ पर नाम आ जाएगा, और उसके बाद एंड एल आ जाएगा। एंड एल का मतलब समझते हो, मैंने बताया था ना कि एंड लाइन, ठीक है, कि आपका इस तरीके से प्रिंट होगा, 1 2 ऐसे नीचे ही करते हुए, एक ये। अब मैंने ये इस तरीके से जब ये प्रिंट ये करा दिया तो ये बेसिकली क्या प्रिंट करेगा, ये आपका 1 1 1 1 1 इस तरीके से प्रिंट करेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नम 10 दे रहा हूँ, तो 10 तक क्यों नहीं प्रिंट करा। वजह ये है कि मैंने इसके अंदर जो है इंक्रीमेंट नहीं दिया अभी तक, अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली वही प्रिंट करेगा। देखो 1 1 इससे छोट 1 जो था क्या है, 1 छोटा है 10 से, तो ये क्या प्रिंट कर दिया, टाउट नम 1 प्रिंट कर दिया। फिर इसने चेक किया मेरा नम क्या है, 1 ही है, 1 को फिर किया तो फिर 1 प्रिंट कर दिया, इस तरीके से होगा। जब मैं नीचे यहाँ पर अपना इंक्रीमेंट दे दूंगा आई प्लस प्लस, तो क्या होगा, 1 जो है वो मेरा, या नम प्लस प्लस, ठीक है, नम है तो नम प्लस प्लस दे दूंगा, तो क्या करेगा वो, 1 है, 1 को 1 दिया, 2 हो गया, 2 छोटा है, फिर उसके बाद फिर ये 3 हो गया, 3 पे चेक करेंगे 3 छोटा है, फिर इस तरीके से पूरा जो है ये वाइल होता है। अगर आप वाइल के नीचे इंक्रीमेंट नहीं दोगे, क्योंकि वाइल में आप पूरा इस तरीके से नहीं बना रहे होते हो कि आपने सबसे पहले नीचे लाइनिंग करा दी, कंडीशन दे दी और उसी के अंदर इंक्रीमेंट करा दिया, नहीं, पहले आपने एक अपना कंडीशन एक दे देते हो वहाँ पे, ठीक है, देन नीचे जाकर आप उसको इंक्रीमेंट करवाओ या डिक्रीमेंट करवाओ, या आपके ऊपर, अगर इंक्रीमेंट करवाओगे तो आई प्लस प्लस इस तरीके से कुछ भी आपने देना होता है। ये वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अंदर देखो यार, यहाँ पे देख रहे हो ना कि नीचे देखो ये नम प्लस प्लस करवाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके के वाला सीन है। अब हमारे पास जो है डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप का मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, अच्छा जी, डू वाइल लूप के अंदर मैंने तुम लोगों को यही बताया था ना कि यार सबसे पहले हमारे पास क्या है, तुम लोगों को इसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। डू डू वाइल जो होता है वो वाइल लूप जैसा ही होता है कि आप इसके अंदर की अपनी कंडीशन चेक कर रहे होते हो, ठीक है, मगर ये पोस्ट टेस्ट होता है। लूप मैंने तुम लोग को बताया था ना, वो प्री टेस्ट होता है, पोस्ट टेस्ट होता है, पहले ये क्या करेगा, ठीक है। वाइल लूप के अंदर आप क्या कर रहे थे, वाइल लूप के अंदर आप ये कर रहे थे कि आपने यहाँ पर अपनी, देखो इधर अपने आपने कंडीशन दे दी कि जैसे नाम नंबर मेरा जो है वो 10 है, ठीक है, और नीचे जब मैं जा रहा हूँ मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजिंग करा दी नंबर को प्लस प्लस करके, तो जो भी मैं ऊपर दिया है मैंने जैसे आई इक्वल्स टू 1 दे दिया है, तो 1 पहले चेक करेगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 चेक करेगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से। मगर इधर पहले सारे स्टेटमेंट दोगे कि ये स्टेटमेंट है, ठीक है, देन इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, वो फिर देखना होगा आपको क्या क्या स्टेटमेंट देना है, वो आप सबसे पहले दोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, आपने क्या किया है कि भाई आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ लिख दी है, उसके बाद आपने सैलरी जो है वो फ्लोट में ले ली है, आपने CLR क्या चीज़ है, CLR SER, ठीक है, ये आपके पास जो है क्लियर स्क्रीन है, क्लियर स्क्रीन आपके पास है, उसके बाद आपने डू कर रहे हो, आपने करना क्या है, आपने कराना यहाँ पर ये है कि आप अपनी सैलरी, इम्प्लॉय की सैलरी को एंटर करवाओगे, सैलरी ले रहे हो, फिर आप टोटल सैलरी को जो प्लस करवा रहे हो सैलरी से, फिर आप रेस्ट वाई करवा रहे हो ज़्यादा सैलरी के लिए। गेट CHE का मतलब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि गेट, ये बेसिकली गेट करेक्टर इको होता है, इसके अंदर आप आपको जो है सब कुछ शो हो रहा होता है, अगर गेट CH होता है तो आपने उसमें जो है करेक्टर शो नहीं होते, इसमें आपको सब कुछ, आपको फ्रंट जो है प्रिंट सब कुछ शो हो रहा होता है। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर 3 को अच्छे से समझ लेना, ये सारी चीज़ वही है।
वाइल के अंदर क्या कर लिया है मैंने कि भाई कि मैंने अगर मैं यहाँ पर वाई को प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा कि टोटल सैलरी मुझे बता देगा। ये सारे मैंने ऊपर क्या करे, ऊपर मैंने क्या करे कि सारे स्टेटमेंट लिख लिए कि क्या मुझे करना है इसके अंदर। डू का मतलब क्या करना है कि मैंने पहले सबसे पहले सैलरी लेनी है एम्प्लॉय से, ठीक है। सैलरी मैंने ले ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5,000 सैलरी है वो ले ली। अब मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया कि मैं टोटल सैलरी को अपनी सैलरी से पूरी सैलरी जितनी है उसको प्लस कर दूंगा ये महीने की सैलरी से, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं प्रेस करूंगा मोर सैलरीज के लिए, तो मैंने यहाँ पर ट्रेटर को गेट सी एच ई दे दिया। अब मैं नीचे सी एच को, मैंने ये सी एच जो है इसको मैंने वाई दे दिया कि जब भी मैं वाई प्रेस करूंगा तो वो क्या होगा, वो मुझे टोटल आपको सैलरी पूरी करके दे देगा। सही है, समझ में आ गया होगा। नेस्टेड लूप क्या चीज है? नेस्टेड लूप समझ लो कि लूप के अंदर लूप जो होता है वो नेस्टेड लूप है। लूप ही के अंदर लूप, जैसे वो था ना आपके पास एल्स इफ नेस्टेड, वो आपका ठीक है, उसके इसी तरीके से नेस्टेड लूप भी आपका समझ लो कि भाई लूप के अंदर लूप नेस्टेड लूप होता है। सबसे पहले इतना समझ लेना कि पहले इनर लूप आपका जो है खत्म होता है, देन फिर आउटर लूप होता है। सही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई और जे प्रिंट का क्लियर स्क्रीन है, I1 है या आपके पास 5 है या आपके पास I++ है, ठीक है। पहले आपका इनर लूप होगा, देन फिर आपका जो है आउटर लूप होगा, ठीक है। अभी आपके पास कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं तुम लोगों को सारी चीज़ बता चुका हूँ, सही है, इसको देख लेना। अब जंप स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जंप स्टेटमेंट ये है कि भाई एक कोड को मूव करना दूसरे पार्ट में, ठीक है। जैसे एक पार्ट आप एक कोड का पार्ट है आपके पास, वो दूसरे पार्ट ऑफ कोड पे, ठीक है, जाने के लिए आप कोई ना कोई कंडीशन रिक्वायर्ड होती है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सी कंडीशन आपको रिक्वायर्ड होती हैं? आपको ब्रेक की कंडीशन, ये सारी कंडीशन है जो कि जंप स्टेटमेंट है। कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न, एग्जिट। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक मैंने तुम लोगों को बहुत दफा बताया है कि मजीद हमारी कंडीशन को चेक नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे केसेस लगा रहे हैं, अब केसेस जब मैंने 1 को प्रिंट करवाया तो मेरे सारे केसेस हो गए। मैं वीक वाला तुम लोगों को समझाया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सारे प्रिंट हो गए। अब मैं ब्रेक लगा दूंगा तो वो एक ही स्टेटमेंट चलेगा, जब मैं 1 प्रेस करूंगा केस को तो वो मेरा मंडे ही चलेगा, बाकी केसेस नहीं चलेगा। दैट वॉज बेसिकली अ ब्रेक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली क्या करेगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होगा वो आपका रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी को क्या करेगा, स्किप कर देगा और बेसिकली टॉप ऑफ द लूप आ जाएगा। जैसे कि भाई आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है कि आपने यहाँ पे सम 0 ले लिया, पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे आपने जो है नंबर को ले लिया, अगर नंबर 0 है आप पॉजिटिव नंबर एंटर करोगे वो कंटिन्यू होगा। आपने इधर सारे पॉजिटिव नंबर जो ऐसे आपने एंटर किया, 1 एंटर किया, कंटिन्यू हुआ, फिर आपका सम हुआ, इस तरीके से पूरा ये कंटिन्यू वर्कआउट करेगा। गो टू स्टेटमेंट क्या चीज़ है? अगर मैं तुम्हें गो टू स्टेटमेंट सीधे अल्फाज में समझाऊँ तो गो टू स्टेटमेंट जो होता है वो एक तरीके से एडवाइस नहीं किया जाता यूज करने के लिए स्टेटमेंट प्रोग्राम में, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट हमेशा आपके एक कॉलन से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे मार्क्स 20 से ज्यादा है तो वो गो टू वार्निंग आ जाएगी। वार्निंग क्या है कि आपके पास एक कमेंट आ जाएगा कि वार्निंग इज लेबल है आपका, एक वार्निंग बेसिकली क्या है, लेबल है आपका। अब वार्निंग में आपके पास ये जो वार्निंग है ये आ जाएगी, आपने यहाँ पर क्या कर लिया, नीड वेरी हार्ड वर्क इन एग्जामिनेशन। ये ज्यादा गो टू स्टेटमेंट यूज नहीं होता है। दो पोजीशन और भी है, रिटर्न स्टेटमेंट और एग्जिट स्टेटमेंट। एग्जिट स्टेटमेंट हमेशा वही होता है कि आपके कोड जब आप एंड कर रहे होते हो, खत्म कर रहे होते हो, क्लोज कर रहे होते हो अपने प्रोग्राम को, तब आप ये लगा लेते हो, ठीक है। और इसके अंदर आप जो है हेडर फाइल के अंदर stdlib की हेडर फाइल लगाते हो एग्जिट कराने के लिए, ठीक है। रिटर्न की क्या चीज़ होती है? रिटर्न को समझने के लिए आप जब चैप्टर अपने 5 के अंदर आएंगे तब आपको रिटर्न की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी फंक्शंस के अंदर। मगर अभी भी मैं तुम लोगों को छोटी सी बात बता दूं कि देखो एक फंक्शन है, ठीक है, अपना कंट्रोल वापस कर रहा होता है। सही है, एक फंक्शन अपना कंट्रोल वापस कर रहा होता है मेन के फंक्शन को, मेन फंक्शन ही वो वापस कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। एक मेन फंक्शन है उसी को वो वापस कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, समझ में आया? एक मेन फंक्शन है वो वापस कर रहा होता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। सही है, इसके अंदर आपके पास जो है आपके पास कुछ चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो है कोई स्टेटमेंट है जो आफ्टर द फंक्शन आप कॉल करा रहे होते हो कॉलिंग फंक्शंस के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको जो है रिटर्न का समझ में आ जाएगा 5th चैप्टर के अंदर। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो अब जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारा बेसिकली क्या है, जो है फंक्शन हमारा, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है फंक्शन। ये हमारा हेडर होता है, ये रिटर्न टाइप होता है, इसका फंक्शन नेम है हमारा, ये पैरामीटर्स आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन आता है, ये बेसिकली हमारी बॉडी है। मगर इसको हम फर्दर आगे डिटेल में समझते हैं
सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। ठीक है, एक और चीज मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि ये बेसिकली हमारा प्रोग्रामिंग का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग का बस यहीं तक पढ़ेंगे, ये बेसिकली हमारा फंक्शन लास्ट है। आगे जो भी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट वॉज बेसिकली अलजेब्रिक टॉपिक, जो कि हमारा रिजेंबल करता है पीछे जो हमने पढ़ा था अभी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, एंड ऑपरेटर्स, नॉर ऑपरेटर्स। ठीक है, वो सारे टॉपिक डीएलडी के टॉपिक्स के अंदर हम कवर आउट करेंगे, दैन फिर उसके बाद स्क्रैच है हमारे पास। तो ये हमारा बेसिकली लास्ट चैप्टर है। ठीक है, हम इस टॉपिक के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, तो हम प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लो कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन ये है कि भाई आपका कोई भी एक शादी का इवेंट है, तो एक पूरा आदमी एक इवेंट को नहीं संभाल सकता, तो आप क्या करेंगे, आप सारे जो काम है इवेंट के आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप जो है आपने डेकोरेशन का काम उसको दे दिया, ठीक है, एक दूसरे दोस्त को दे दिया, ठीक है, खाने का जो है सेटअप आपने किसी और को दे दिया, तो इस तरीके से क्या होगा, सारा काम बच जाएगा। ठीक है, अब अगर पूरा इवेंट ही मैं एक बंदे को मतलब दे दिया जाए तो क्या होगा कि भाई वो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इतना समझ लो कि यहाँ पे दो टाइप्स के जो होते हैं आपके पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम जब भी आपका स्टार्ट होगा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, जिसको हम एग्जीक्यूशन कहेंगे। और दो टाइप के फंक्शन है, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो आपको बनाकर दे दिए जाते हैं, बने बनाए जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, और जो आपने किसी मकसद के लिए बनाते हो वो यूजर डिफाइंड होते हैं। सही है, इतना समझ में आ गया है। अब आगे चलो, जो कि तुम्हारा थोड़ा प्री डिफाइंड फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है ये प्री डिफाइंड फंक्शन, कि क्या चीज बनाकर दे रहे हैं, ये खाना वाना तो नहीं बना बना कर दे रहे। ठीक है, तो हाँ, प्री डिफाइंड में कुछ इस तरीके से है कि एक बनी बनाई चीज हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम घर पे फ्रेंच फ्राइज होते हैं, या कोई भी हमारे पास लाइक समझ लो कि पराठा होता है। ठीक है, हम उसको अगर घर पे बनाते नहीं है तो हमारे पास मार्केट के अंदर जो है वो एक तरीके से बने बनाए मौजूद होते हैं। ठीक है, हमने वो खरीदना होता है, जस्ट हमने उसे फ्राई करना होता है, तो वो एक बनी बनाई चीज़ है, जस्ट हम लाया बनाया, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हमने जो है पूरा जो है फॉर एग्जाम्पल फ्राइज बनाना है, तो हमने भाई उसका आलू को स्टार्ट पील करने छीलने लगे और फिर उसके बाद कट किया, फिर उसके बाद हमने उसको प्रॉपर पूरा इंग्रीडियंट नहीं, सब कुछ रेडी होगा, जस्ट हमने उसको फ्राई करना है। तो ये बेसिकली हमारा प्री डिफाइंड है कि हमने क्या है कि हमारे पास बनी बनाई चीज़ मौजूद है, सिर्फ हमने उसको इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास कौन कौन सी चीज बनी बनाई है, हमने सिर्फ उसको कॉल कराना है, सिंपल सा क्या है, SQRT। SQRT बेसिकली क्या है, SQRT का मैथ्स का बेसिकली यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट लेंगे हम। STRCPY क्या चीज होती है, STRCPY मतलब कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे, ये है स्ट्रिंग कॉपी कहते हैं इसको, STRCPY को। टू अपर क्या है, टू अपर चीज ये है कि भाई आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वर्जन कॉन्टेंट लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखी हुई है आपके पास, आप क्या करोगे उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दोगे। POW क्या होता है, POW का मतलब है कि पावर से बिल्ट इन फंक्शन मालूम कर लेंगे आप। ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, आप साइन कॉस ये सब भी ले सकते हो, आप जो है ABS भी ले सकते हो, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ वो क्या है। अब ये बनाते कैसे हैं, ये होगा किस तरीके से, वो मैं तुम्हें थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, तुमने यहाँ पर मैं तुम लोगों को बताया ना कि मेन सबसे पहले आप लेते हो, आपने मेन लिया। ठीक है, मेन लेने के बाद आप आगे ओपन कर ली ब्रैकेट, फ्लोट के अंदर आपने अपना रिजल्ट ले लिया। अदरवाइज फ्लोट अगर नहीं पता तो जाकर भाई चैप्टर 2 को अच्छे से डेटा टाइप्स को पढ़ो, समझ में आ जाएगा फ्लोट रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट को हमने यहाँ पर जो है कि ऑटोमेटिकली कॉल करवाया, और रिजल्ट के बाद हम अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है कि भाई SQRT, SQRT, और अंदर में मैंने 16 का स्क्वायर लेने के लिए करा। जब मैं 16 का स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे सी आउट करके, ठीक है, रिजल्ट मालूम कर लूंगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4। तो ये मेरा एक आंसर डायरेक्ट ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड स्क्वायर रूट दिया हुआ है, बस डायरेक्ट हमारे पास 4 एक आंसर आ गया। इसी तरीके से मैं इसके अंदर पावर ले लूंगा, पावर को कैसे डिफाइन करूंगा, पावर को मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा, PoW 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 आपके पास आंसर आ जाएगा पावर का। सही है, तो ये भी इसी तरीके, बस स्क्वायर रूट की जगह पर पावर लगा दो और वहां पर डिफाइन इस तरह कर दो 2 की पावर 4। उसी तरीके से एक और चीज होती है, वो भी मैं समझा रहा हूँ, ABS। इसका क्या मतलब है, एब्सोल्यूट। अगर हम एब्सोल्यूट के अंदर कोई माइनस वैल्यू आती है तो ये करेगा क्या, एब्सोल्यूट ये हमें करेगा पॉजिटिव वैल्यू में जनरेट करके दे देगा। सही है, पॉजिटिव में आपको दे देगा, तो ये बेसिकली आपका 20, ये आपका 25 आ जाएगा। ये आप ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो, ये कुछ मेजर प्री डिफाइंड फंक्शन है जो यूज हो रहे होते हैं। प्लस एक और लास्ट बात प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए, जिस तरह मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि आपको कुछ लाइब्रेरीज को यूज करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंक्लूड IO स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हो। सही है,
ठीक है, आप आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हो, अगर आप करेक्टर पुट कर रहे होते हो तो कॉनियो डॉट एच की लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हो। उसी तरीके से फंक्शन प्री डिफाइन के लिए अगर आप मैथ्स के यूज कर रहे होगे, जैसे कि आपके पास पेपर में आ जाता है कि आपने पावर्स निकालना है या फिर आपने एसटीआर सीपीवाई निकालना है, क्योंकि इसका मैं आपको बोल रहा हूँ पर्पजेस पूछ सकते हैं पेपर्स में आपसे कि भाई आपके पास पी ओ डब्ल्यू क्या होता है फंक्शन में, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसमें लाजमी याद रखना तुम्हारा दो जो है यूज होगा, सही है, सबसे पहले दो हेडर फाइल्स तुम्हारी लाजमी यूज होंगी, एक सी मैथ की क्योंकि मैथ के फंक्शन यूज कर रहे हो, अगर तुम सी मैथ का फंक्शन नहीं लगाओगे तो ये नहीं रन नहीं करेगा, और सेकंड तुम्हारे पास जो है सी एस टी डी एल आई बी, ये चीज सी एस टी डी लाइब्रेरी ये यूज हो। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास बेसिकली आ रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। मैं तुम लोगों को यूजर डिफाइंड फंक्शंस बता दिया था, यूजर डिफाइंड फंक्शंस वही होता है, इतना समझ लो कि आपको जो है ना जो अपने मकसद के लिए बेसिकली आप बनाते हो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है इधर आप मल्टीप्लाई सम एवरेज ये सारी एग्जाम्पल होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन की, सही है। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आपका फंक्शन डिक्लेरेशन जिसको प्रोटोटाइप भी कहते हैं, या फिर फंक्शन डेफिनेशन भी होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या चीज है कि ऐसा फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन नहीं, जिसको आपने मतलब कि डिफाइन नहीं करा हो, वो फंक्शन जो डिफाइन नहीं होगा वो फंक्शन डिक्लेरेशन है। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि सबसे पहले क्या है कि तुमने एक इवेंट रख लिया है, ठीक है, तुमने वो अनाउंस किया कि भाई 12 मार्च को एक पार्टी है, ये नहीं बताया कि किस टाइप पार्टी है क्या है, बस पार्टी है, ठीक है। अब जब ये डेट आएगी तो क्या हम क्या करेंगे, जब ये डेट आएगी तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है कि हमें कुछ लोगों को कॉल करवाना होगा, ठीक है। कॉल करवाना क्या होगा कि भाई फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन अब सबसे पहले ये देख लो रिटर्न डेटा टाइप, मतलब यहाँ पे आपका जो भी डेटा टाइप है वो आएगा कि भाई फ्लोट है, डेटा टाइप्स पढ़े थे ना फ्लोट इंट ये सारी चीजें, इधर आपके पास नाम आएगा फंक्शन का, और हमेशा जब भी इसको एंड करोगे तो वहां पे तुम्हारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सेमी कॉलन आएगा। नेम ऑफ फंक्शन क्या है, नेम ऑफ फंक्शन यही है कि भाई सम करा रहे हो एवरेज करा रहे हो, और यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर तुम्हारे पास वैल्यूज वो हो जाएंगी, ठीक है। इतना समझ लो कि बेसिकली हमने क्या चीज रिटर्न करनी है, रिटर्न डेटा टाइप क्या चीज हमने रिटर्न करानी है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर कोई भी चीज रिटर्न नहीं कराए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ भी रिटर्न ना कराए, तो आपको वॉइड यूज करना होगा, वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा। ये समझ में आ गया कि आपने डेटा टाइप में फ्लोट किया, फंक्शन को चेंज करो, पैरामीटर बनाओ, कॉमा लगाओ, ये पूरा आपका जो है इस तरीके से डिक्लेरेशन करनी है, ये आपका सिंटेक्स है पूरा। रिटर्न बता दिया मैंने कि बेसिकली रिटर्न डेटा टाइप क्या है कि क्या चीज़ आपने रिटर्न करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ भी रिटर्न नहीं हो तो आप वॉइड को यूज करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन नेम क्या चीज़ है, इतना समझ लो फंक्शन नेम क्या चीज़ है, फंक्शन नेम ये है, इतना समझ लो कि एक फॉर एग्जाम्पल बेबी पैदा होता है या बेबी बॉय पैदा होता है, हम उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं, ठीक है, कोई ना कोई नाम रखा जाता है और उसको हमें उस नाम से ही पुकारा जाता है, तो वो बेसिकली हमारा फंक्शन नेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है एवरेज, इस नाम से ही इसको पुकारा जाएगा। इसी तरह बेबी है, जैसे उसका नाम अहमद है, तो भाई उसको अहमद से ही पुकारा जाएगा, उसको बड़े होकर उसको चिंटू मिंटू करके नहीं पुकारा जाएगा, वो निकनेम होगा, बट उसका मेन जो नेम होगा वो ये है। पैरामीटर्स बेसिकली अब क्या होते हैं, पैरामीटर्स ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो या करने जाते हो, जैसे बारात का इवेंट है, वहां पे क्या क्या चीजें होंगी, बारात के इवेंट में लाइटिंग भी आप है, सोफा भी है, खाना भी हो रहा है, तो ये तमाम चीज उसके अंदर जो देना है ना, तो वो सारी चीज पैरामीटर है आपके पास, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर वही है आप एंड में अपने जो है यूज कर रहे होते हो, स्टेटमेंट टर्मिनेटर ये एंड में यूज कर रहे हो, ये पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन थी इस चीज की, ये पूरा जो समझाने का था इतने बड़ी बात, वो सब इसी का समझाने का था, सही है। अब आगे चल देते हैं, अब हमारे पास है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन इतना है कि फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन को डिफाइन कर रहा होता है, ये बेसिकली क्या है कि फंक्शन खुद में डिफाइन करता है या फिर फंक्शन हेडर या बॉडी में या कोड ब्लॉक में होता है। तीन टाइप के होते हैं, एक रिटर्न वैल्यू डेटा टाइप, एक आपके पास फंक्शन नेम होता है, और लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब जैसे कि ये समझा रहे हैं आपको, मैंने तुम लोगों को ऊपर भी समझाया था किस तरीके से होता है, ये आपका फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम का मतलब आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, बच्चे का नाम जो होगा उसी से ही कॉल होगा, ठीक है। ये आपके डेटा टाइप्स हैं इंट ए इंट बी, ये आपके पास फंक्शन रिटर्न है, इसके अंदर डेटा टाइप्स आ रहे होते हैं इंट। अब आपने क्या किया है, फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने इंट ए और इंट बी दे दिया है, ठीक
एक मैंने इंट सी ले लिया है, जिसको मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, फंक्शन को मैंने डिफाइन कर लिया है कि सी जो बेसिकली मेरा है वो मैं उसको ऐड करा रहा हूँ ए प्लस बी। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन हमेशा याद रखो कि वो डिफाइन हो रहा होता है पहले और आफ्टर मेन के, मेन के आफ्टर डिफाइन हो रहा होता है। रिटर्न करा दो सी को, जब तुम रिटर्न कराओगे ना तो ये तुम्हारा ऐड होकर आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन कॉल क्या चीज होती है, तो फंक्शन कॉल यही होता है कि मतलब आपने कोई भी अपने फंक्शन कोड को यूज करना है तो आपने उसको कॉल करवाना होगा उसके नेम से, तो वो आपका फंक्शन कॉल है। सही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फंक्शन को आपका विदाउट रिटर्न वैल्यू है या फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आप उसको अपने नेम से जो है करवा सकते हो, और जो आपका ब्रेसेस होंगे वो खाली होंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा फंक्शन नेम क्या है, ऐड करवा रहा हूँ, तो मैं ऐड और ब्रेसेस लगा दूंगा और वो खाली होंगे। अगर मैं कोई चीज़ ऐसी वैल्यू को करवा रहा हूँ और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू वेरिएबल्स भी दे सकता हूँ, वो भी कॉलिंग फंक्शन है। जैसे कि मैंने एक्स इक्वल्स टू ऐड करवा रहा हूँ किनको, वाई और जेड को। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फंक्शन पासिंग आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम लोग फंक्शन के नाम के बाद जो बेसिकली ब्रैकेट लगाते हैं या नाम डिफाइन करते हैं, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, फंक्शन पासिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो कि बेसिकली हम उसको एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल जो है समझ लो कि वो पास हो सकता है, और कॉन्स्टेंट बनाकर बेसिकली आप जो है यूज कर, कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या होते हैं, 1 2 3, आप उसको बनाकर यूज कर रहे होते हैं, कर सकते भी हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या चीज है, अगर मैं तुम लोगों को आगे समझाने की कोशिश करूं, हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल की डिफरेंशिएशन है। फंक्शन डेफिनेशन इतना समझ लो कि किसी फंक्शन को डिफाइन करना, ठीक है, वो क्या काम करता है, वो बेसिकली हमारा फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन कॉल क्या है, हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर आप फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो फंक्शन किसी सूरत काम नहीं करेगा, फंक्शन को कॉल करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, अब मैंने यहाँ पर क्या बताया कि फंक्शन को आपने बेसिकली डिफाइन करना है, आपने स्टेटमेंट लिखा, ये आपका एक तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि सारे स्टेटमेंट है। आपने यहाँ पर क्या किया, डेटा टाइप दे दी एंड, फिर आपने फंक्शन का नाम लिख लिया, अंदर में पैरामीटर्स दे दिए इंट पी और क्यू। ठीक है, आपने एक जेड लिया, इंट जेड लिया, जेड के अंदर आपने फंक्शन को वो कर दिया कि भाई पी प्लस क्यू और रिटर्न करा दिया, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। मगर फंक्शन को कॉल करवाना क्या होता है, ये भी इसी तरीके का होता है। यहाँ पे कॉल करवा देते हैं, कॉल में क्या करवा रहा हूँ, कॉल में करवाया कि ए इज इक्वल टू, मैं सम करवा रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई का सम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंट वेज हैं, आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप को, चार डिफरेंट मेथड हैं सी प्लस प्लस में आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आपके पास ये है, कभी कभार जो आपके यहाँ बेसिकली वॉइड होता है वो आप रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये होता है सेकंड के अंदर कि आप वैल्यूज को रिटर्न करवा रहे होते हैं मगर पासिंग आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंट फ्लोट चार, ये सारी चीजें जो होती हैं। ठीक है, आप कोई भी फंक्शन है या फिर कोई भी लिमिट, एक वक्त में आप एक एलिमेंट को ही रिटर्न करवा सकते हैं, जैसे या इंट के अंदर फ्लोट, इन तीन ही को रिटर्न करवाएंगे, उसके अलावा नहीं करवा सकते, इंट फ्लोट चार। ठीक है, आपने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाएंगे मगर आर्ग्यूमेंट पैरामीटर होंगे। थर्ड के अंदर क्या है कि आप वैल्यूज को रिटर्न करवाएंगे और पासिंग आर्ग्यूमेंट्स आपके पास, ठीक है, मतलब आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हैं मगर आपके पास आर्ग्यूमेंट में ये है, देखो इंट ये, और उसके बाद आप रिटर्न वैल्यू करवा रहे हो, वैल्यू के अंदर रिटर्न करा रहे हो इंट फ्लोट और आर्ग्यूमेंट के अंदर भी इंट फ्लोट। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज है, अब तुम या ये सारे तुम्हारे पास कोडिंग है, इसको समझ लेना अच्छे से। ये आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन वही है, मैं तुम्हें बताया था, लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो कि आप बेसिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये बने बनाए होते हैं, वो आप मॉडिफाई करके पूरा बनाते हो। यूजर डिफाइंड फंक्शन वही होते हैं, सम मल्टीप्लाई ये सब आप पूरा बना रहे होते हो, सम कर रहे होते हो, एडिशन कर रहे होते हो। ठीक है, उसके बाद जो होता है इसके अंदर जो होता है, फंक्शन डिफाइन नहीं करना होता मगर यूजर डेफिनेशन में डिक्लेरेशन और डिफाइन करना इम्पोर्टेंट होता है। आप इसके अंदर गेट गेट सी एच और स्क्वायर रूट ये सारे आपके पास बने हुए हैं। गेट्स क्या था कि भाई आप चार की वैल्यू लेकर इतने लेटर्स करते, याद है ना, चार की वैल्यू उतने लेटर लेकर आप उसको करवा सकते थे। स्क्वायर रूट ये प्री डिफाइंड है, गेट सी एच आपके पास प्री डिफाइंड है, यहाँ पे आप इंट सम कर सकते हो, एवरेज ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यूजर डिफाइंड। अब बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो कि हमारे पास लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, प्राची बोर्ड के पेपर्स के हिसाब से लोकल वेरिएबल्स इतना है कि भाई मेन के फंक्शन से बाहर काम नहीं करेगा, वो आपका एक लोकल वेरिएबल है, कि मेन के फंक्शन से बाहर आपका लोकल वेरिएबल काम नहीं करेगा। एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है लोकल, मतलब फॉर एग्जाम्पल थोड़ा मजहबी रिलेटेड हम समझ लेते हैं कि मस्जिद अक्सा है, तो मस्जिद अक्सा अगर आपको बोलते हैं कि यार मस्जिद अक्सा आ जाना, तो मस्जिद अक्सा बेसिकली आप पूछोगे यार कौन से इलाके में है, कहाँ पर है, ठीक है, एड्रेस दे दो,
ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह पर होगी, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से, जैसे कि, और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि कुछ नाम ऐसे होते हैं वो बेसिकली एक होते हैं और बिल्कुल मतलब पूरी दुनिया उसे ऐसे याद करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्जिद नबी, ठीक है। मस्जिद नबी से कोई ये, मस्जिद नबी में ये नहीं पूछा गया कौन से इलाके थे, सबको पता है मस्जिद नबी कहाँ पर है, ठीक है। तो ये ग्लोबल है, ठीक है, हमें इसमें पता है कि भाई ये जो है एक ही है और कहाँ है, मगर लोकल के अंदर हमें जो है एक मखसूस बताया जाएगा कि भाई मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा भाई का एड्रेस क्या है, हमें इसे एक स्पेसिफिक वो होगा। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। इसको समझने के लिए प्रोग्रामिंग को देख लो अच्छे से, मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये चैप्टर जो है, तीनों चैप्टर्स 3, 4, 5 पसंद आए होंगे, इनको अच्छे से देखो। इंशाल्लाह फिर जो है हम फर्दर आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा ये बेसिकली पार्ट 2 है हमारा। आगे हम इंशाल्लाह लास्ट पार्ट अपना करेंगे, जो कि तुम लोगों का थोड़ा एल्जेब्रिक टॉपिक्स होंगे, और फिर उसके बाद हमारा एंडिंग हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर न्यूज से हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।